Education important thing. Never ever give that up. And I'm so happy that today we can blend education with cinema. And we've come here with all of you all to promote our film Gadar 2. And thank you for watching this film. जैसे गदर में भी सकीना बहुत पढ़ी लिखी थी. A big round of applause for mom's thoughts. Thank you so much, ma'am. And ladies and gentlemen, अगले गेस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले आई हैव अ क्वेश्चन फॉर टू ऑफ यू. इट टुक 22 इयर्स एंड व्हाट वी वर वेटिंग फॉर कि चरणजीत बड़ा हो जाए तो उसके बाद हम लोग वी विल बी हैविंग द गदर 2 बिकॉज उत्कर्ष शर्मा इज हियर. किसको याद है छोटा चरणजीत? जीते जीते छोटा जीते मेरा जीते आ मेरा छोटा जीते और बड़ा हो गया. सत्यकाल चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी. बहुत बहुत खुशी लग रही है यहाँ पे आके. और सनी सर, अमीशा जी, मनीष जी, सिमरत, इन सब के साथ स्टेज कर शेयर करके तो बहुत ही आनंद आ रहा है. और आप सबकी एनर्जी देख के तो बहुत ज्यादा ही आनंद आ रहा है. तो एक बार मेरे साथ भी बोलिए हिंदुस्तान. And now, as I said in the beginning, the beautiful brains, Simrat Kaur, a big round of applause for this young lady who is here with us. Zona Talia Ajay Bhai, itni khoobsurat ladki Chandigarh University mein aayi hai. She has a pretty apni Punjabi kudi hai. Bol beta kuch bol. किवे हो चंडीगढ़ वालियो? ओ ते मैंने पता वा सनी सर नु वेख के तारा सब दा हाल हुण वधिया हो गया वा. पहले तो सारे नु सत श्री अकाल. ते मैंने पता वा 22 साल बाद असि आ रहे गदर नु लेके. ते जितना तुसी फैन हो सनी सर दे उन्नी वड्डी फैन मैं सनी सर दी. थैंक यू सो मच सनी सर. मैं कदी सोचिया नहीं सी कि मैं सनी सर दे नाल एक पिक्चर च काम करांगी ते अज उहनां दे नाल स्टेज ते खड़ी आ. सो बस होर मैं कुछ नहीं कहना चाहवांगी. बोले ही सोनहार सस्रिया का अबे ग्राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर प्लीज. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मूवी. क्योंकि कहते हैं कि विलन तो बिना ना मूवी अद्धी अधूरी होती है. तो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मनीष बाबा जी हू प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. सर प्लीज. देखिए आप लोगों ने कदर वन देखी है. आप अमित जी को क्या पूरी दुनिया क्या कोई ऐसा आदमी नहीं है जो अमित जी को मिस नहीं करता. सही बात है. आप लोगों ने देखी अमित जी की ढेर सारी फोटो. वो आज हमारे पास नहीं है लेकिन उनका प्यार उनका जोश हमेशा मेरे साथ रहता है. वो मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करते थे. हमारी फिल्म जो अभी गदर 2 है हमें हमारे साथ अमित जी नहीं है लेकिन हमें एक विलन चाहिए था. और ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएंगे और आप जब फिल्म देखोगे तो आपको लगेगा ये बिल्कुल कम नहीं है. सत श्री अकाल. गुड इवनिंग. थैंक यू भाजी. थैंक यू सो मच. थैंक यू जी. सबसे पहले मनीष माधवन ने आशीर्वाद ले लिया है. एक लाइन बोलूंगा गदर के लिए उसके बाद बात करूंगा तारा सिंह जी से. वो है बड़े मौके पर आई है गदर. अब मिली है कलेजे को सबके ठंडक. और तारा सिंह के लिए बात बोलूंगा बहुत सुनकर ये तुम लोगों ने हिंदुस्तान में हमारे मुसलमान भाइयों पर. अब हम उन्हें आजादी दिलवाएंगे. किस किस को आजादी दिलाएंगे? हम
पहले दिन गदर 2 की शूट पे पहुंचे तो लगा ही नहीं था कि 22-23 साल गुजर चुके थे. ऐसा लगा कि वी वर इन अ टाइम कैप्सूल, बस वक्त थम सा गया है. और एक्चुअली जो अच्छी और बहुत यूनिक बात हुई थी, मैंने सानी जी और मेरी एक तस्वीर मुहूर्त शॉट की पोस्ट की थी इंस्टाग्राम पे, और अचानक हमारे प्रोड्यूसर को फ़ोन पे फ़ोन आते गए कि आपकी हीरोइन ने तो 22 साल पुरानी तस्वीर पोस्ट क्यों की. तो हमारे प्रोड्यूसर ने कहा नहीं नहीं, ये अमीषा जी और सानी जी की करंट तस्वीर है, करंट शूटिंग हो रही है. और सभी चौंके थे, उन्होंने उनको लगा कि हम बस उस सेट से लेकर इस सेट पे आ गए. तो ये आप लोगों का प्यार है जिन्होंने हमको उनके दिल और जहन में इतने सालों तक जिंदा रखा, इतने यंग रखा, जीते को इतना प्यार दिया, सबको इतने अच्छे से इस कास्ट को ऐड किया. एंड वी आर स्टैंडिंग हियर अगेन विद सो मच लव एंड अफेक्शन. एंड बस गदर 2 को अगस्त 11 को उतना ही प्यार दीजिए. लाइक वी आर लाइक ऑलरेडी ऑस्ट्रक, हम जैसे कि आपने बोला कि यू पोस्टेड अ पिक्चर ऑफ दैट एंड इट वाज अ ड्रीम फॉर मेनी ऑफ अस. लाइक मी आई एम द 90s किड एंड आई यूज्ड टू वॉच दिस मूवी ऑन द नेशनल टीवी चैनल, दैट वाज डीडी 1. एंड आफ्टर दिस लाइक आई वाज आस्किंग ऑल दीज यंगस्टर्स एंड दे आर बोर्न लेट 2000s एंड दे वर ईगरली वेटिंग फॉर दैट. आप लोग वेट कर रहे थे ना गदर 2 के लिए? आप लोगों ने शायद अपने मम्मी पापा या किसी के साथ कहीं ना कहीं जो गदर 1 देखी होगी. गदर 1 एक इस तरह की फिल्म है जो हर इंसान के दिल में ऐसे बस गई कि हमें खुद को नहीं पता था कि मेरी फिल्म गदर गदर मचा देगी. ये हमारे देश की सबसे ज्यादा वॉच्ड फिल्म है और इसलिए मुझे हमेशा डर लगता था कि इसका पार्ट को कैसे लेकर आएंगे. प्रचंड शर्मा जी और हमारे राइटर ने एक कहानी सुनाई तो बोला भाई इसमें बात है. और कोविड के वक्त वक्त ही वक्त था, वहाँ पर उन्होंने बैठ के ये कहानी तैयार की और आज हम आपके पास हैं क्योंकि आप दोबारा तारा सिंह और सकीना को देखना चाहते हैं. क्योंकि आपके लिए तारा सिंह ही एक हल्क है, एक सुपरमैन है जो जाके कुछ भी फाड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है. वो आपका हीरो है तारा सिंह. तो मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि सुना है एडवांस बहुत अच्छी लगी है, ये जानना चाहता हूं आप भी उनमें से कोई हैं जिन्होंने एडवांस टिकट्स खरीदे हैं? बहुत कम लोगों ने खरीदे हैं. वक्त है, जाइए खरीदिए, ढेर सारी खरीदिए. मैं बस यही उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों का प्यार रहे हमेशा एंड बिकॉज वही मेरी ताकत है. मैंने फिल्में की हैं जिसकी वजह से आप लोग उन फिल्मों से प्रसन्न हुए हैं और उसने मुझे और तसल्ली दी है इस तरह की फिल्में करने को. और मैं आपको हमेशा जब भी मैंने फिल्में की हैं परिवार के बारे में होती हैं या देश के बारे में होती हैं या योग के बारे में होती हैं क्योंकि हमें हमारी कल्चर, हमारे माँ बाप, हमारे दादा, हमारी दादी, इन सब चीज़ों को हमारे अंदर समेट के रखना है. और सिनेमा में ये सब चीज़ें आनी और हमारे देश की हिस्ट्री आती रहनी चाहिए, तभी जाके आप लोगों को भी समझ में आएगा कि आपके रगों में किसका खून दौड़ रहा है. सो लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल. भाषण में मैं और दूंगा, जस्ट गो वॉच Gather 2. Thank you. A big round of applause for sir. And there are two of the songs that already created the history throughout the years. Main Nikla Gaddi Lege aur Urja Kale Kalu. And the students of Chandigarh University have prepared something. And they have prepared a flash mob for all of you. So I request the students of Chandigarh University to kindly join me on the stage for the dance performance on Main Nikla Gaddi Lege. A big round of applause because... Yeah.